हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक खबर पढ़ने को मिली कि यूके कोर्ट ने, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट ने 22 साल के एक इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट साहिल भावनानी को जो है स्टॉकिंग के मामले में 4 महीने की सज़ा दी गई है, इम्प्रिजनमेंट दी गई है, और उनको यूनिवर्सिटी, जो उनकी यूनिवर्सिटी थी ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी उनको जो है एक्सपेल कर दिया गया है। तो दोस्तों, साहिल पर आरोप था कि वो यूनिवर्सिटी की एक नर्सिंग स्टूडेंट है, उनका जो है वो पीछा किया करते थे, उनको इनअप्रोप्रिएट मैसेज भेजा करते थे, और उनको जो है 100-100 पेज की पोइट्री वाली लेटर भेजा करते थे, जिसके बाद जो है नर्सिंग स्टूडेंट ने पुलिस में कंप्लेंट की, उसके बाद मामला कोर्ट में आया और अंततः जो है उनको 4 महीने की सज़ा सुनाई गई है। तो दोस्तों, इस संबंध में जो है लड़की ने क्या कहा है, जो नर्सिंग स्टूडेंट है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि वो कहती हैं कि मुझे जो है 6-6 मिनट के ऑडियो और वीडियो क्लिप मिलने शुरू हो गए, जिसमें उन्होंने कहा कि आई स्टार्टेड गेटिंग 6 मिनट लॉन्ग वॉइस मैसेजेस सेइंग ही वाज गोइंग टू मेक मी हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन मेक मी लिव विद हिम, द विक्टिम है टोल्ड द बीबीसी। ये विक्टिम ने जो है, जो नर्सिंग स्टूडेंट थी, उन्होंने जो है ये बीबीसी को बताया था एक इंटरव्यू में कि उनका जो है व्यवहार, साहिल भावनानी का व्यवहार जो है बिल्कुल असहनीय हो गया था, इसलिए उनके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट करनी पड़ी और आखिरकार उनको जो है 4 महीने की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, स्टॉकिंग को लेकर पूरे विश्व भर में अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के कानून बने हुए हैं, और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 2013 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक बिल पेश करके पार्लियामेंट में IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड, जो हमारा एक अपराधों का एक पूरा जो है ग्राफ बनाया हुआ है कि कौन से अपराध के तहत कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, तो IPC में जो है कई सारे बदलाव किए गए, ख़ास तौर पे जो सेक्सुअल असोल्ट के केसेस थे या सेक्सुअल इंटिमिडेशन के केसेस थे और या मोलेस्टेशन के केसेस हैं, स्टॉकिंग के केसेस हैं, उनमें जो है एप्रोप्रिएट सेक्शन जोड़ी गई ताकि ये कानून मजबूत बने और जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रह सकें और इस तरह के जो है ऑफेंस देश में ना हो, बहुत कम हो। और जो सेक्शन की वजह से किसी अपराध की अगर श्रेणी नहीं बनी है, उसकी वजह से कोई अपराधी छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, जैसे 376 में जो रेप से संबंधित सेक्शन है, उसमें कई सारी धाराएं जोड़ी गई, सेक्शन 376 A B C D E, अलग अलग उसके जो है एक नंबर बनाए गए। इसी तरह जो 354 धारा है, जो है महिलाओं के छेड़खानी से संबंधित है, जो है उनकी जो टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ वुमेन के संबंध में 354 की धारा जो बनी हुई है, उसमें भी जो है 354 A B C D बनाए गए हैं ताकि जो है महिलाओं की रक्षा कर सके। तो दोस्तों, 354D स्टॉकिंग से के संबंध में है, और अगर मैं इसको पढ़ूं कि ये कानून क्या कहता है और इसमें क्या, किस तरह का प्रावधान है, कितनी इसमें पनिशमेंट है, तो 354D कहता है, इसका पॉइंट वन है कि एनी मैन, कोई भी व्यक्ति फॉलोज ए वूमेन एंड कॉन्टैक्ट्स और अटैम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट सच वूमेन टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वूमेन, कि जो कोई महिला या कोई लड़की किसी व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, उसको बार बार इग्नोर कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़का या वो व्यक्ति जो है उसका पीछा कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, उसको जो है बराबर सर्वेलांस पे रखा हुआ है और मॉनिटर कर रहा है उसकी एक्टिविटीज़ को, तो इस संबंध में जो है 354D की धारा लगेगी। दूसरा इसमें है, और मॉनिटर द यूज़ बाय ए वुमन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, या वो ये जो है देख रहा है गुप्त तरीके से कि लड़की का ईमेल क्या है, उसका जो है वो का इंटरनेट पे
कौन कौन से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूज़ कर रही है, वहाँ उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ भी जो है 354D का प्रावधान है। और लेकिन ये 354 कहाँ नहीं लगेगी, अगर जो है इट वॉज परस्यूड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध रोकने की मंशा से किसी महिला या लड़की का पीछा कर रहा है, तो वहाँ पे जो है ये 354D की धारा नहीं लगेगी। और दूसरा इसमें कंडीशन है कि इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट, या अगर कोई रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति किसी महिला को सुरक्षा दे रहा है, किसी लड़की को सुरक्षा दे रहा है कानून के मुताबिक, तो वहाँ भी 354D नहीं लगेगी। एंड इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज अंडर सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, और अगर ये सर्कमस्टेंसेज के हिसाब से अगर ये कंडक्ट जो है रीजनेबल है, जस्टिफाइड है, तो वहाँ भी 354D की धारा नहीं लगेगी। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि 354D में कितनी सजा का प्रावधान है। हूएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अगर किसी व्यक्ति का पहली बार कन्विक्शन होता है 354D के तहत, तो तब जो है फर्स्ट इंस्टेंस में उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है, मैक्सिमम 3 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें, और इसमें जो है साथ में फाइन भी हो सकता है, लेकिन एंड बी पनिश्ड ऑन ए सेकेंड और सबसिक्वेंट कन्विक्शन। अगर इसमें दूसरी बार या कितनी भी बार जो है बाद में कन्विक्शन होता है, तो विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years, फिर इसमें जो है जो बाद में कन्विक्शन होती है फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद, उसमें इसमें 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, और इसमें जो है फाइन भी लग सकता है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जैसे छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, उन्होंने अपने सरकमस्टेंसेस के हिसाब से जो है 354D में छोटे मोटे जो है बदलाव किए हैं, और ये जो है जब से यह कानून लागू हुआ है तब से 354D की सेक्शन जो है बराबर लोगों पे लगाई जा रही है। जो लड़कियों का पीछा करते हैं, मान लो कोई कॉलेज से उसका घर तक पीछा कर रहा है, या उसको देख रहा है कि वो किससे मिलती है, उसकी दिन भर की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो उसकी सहेली कौन है, और या जो है वो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, ये सब चीज़ें जो कोई आदमी मॉनिटर कर रहा है, और जहाँ पर महिला या लड़की को ये लगे कि मेरा जीवन जो है खतरे में पड़ रहा है और मेरी जो प्राइवेसी को जो है वो इरोड किया जा रहा है, मेरा पीछा किया जा रहा है, तो वो कंप्लेंट कर सकती है पुलिस स्टेशन में, उसमें जो है 354D की सेक्शन लगेगी, और फिर जो है कोर्ट में चलान पेश होकर जो है प्रॉपर इसमें केस शुरू होता है। तो दोस्तों जो सेक्सुअल असोल्ट के केसेस हैं, निर्भय रेप के रेप एंड मर्डर केस के बाद जो है उसमें काफ़ी परिवर्तन किया गया है, उनको और जो है सख्त बनाया गया है, ताकि इस तरह की घटनाएं जो सेक्सुअल असोल्ट्स हैं, महिलाओं के प्रति जो है अपराध हैं, उनमें कमी आए, और जो है जो भी अपराधी हैं वो ऐसे अपराध करने से पहले डरें, और किसी आईपीसी के सेक्शन की कैटेगरी ना होने के कारण जो है वो छूट ना पाएँ, इसलिए इस कानून को बहुत ही सख्त किया गया है। लेकिन दोस्तों 354D में एक खामी भी है कि इसमें सिर्फ जो है मेल पर्संस को कवर किया गया है, कई बार ऐसे भी देखने में आता है कि कुछ लड़कियां भी जो है लड़कों का पीछा करती हैं, और वन वे उनका लव होता है, उनके पीछे जाती हैं, उनको सोशल मीडिया पे टैप करती हैं, और उनके रिलेटिव्स में मैसेजेस भेजती हैं, और उनके जो है बाकी जितने सर्कल्स के दोस्त होते हैं उनको मैसेज भेजती हैं, और उनको जो है सर्विलेंस में रखती हैं, तो ऐसा जो है इस 354D में लड़कियों के प्रति जो है कोई अपराध ये नहीं बनता, जबकि जो है लड़कियां भी ऐसा देखने में आया है कि कई कई सारी लड़कियां जो है इस तरह के अपराध में इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर लड़कियों का ये अपराध है और किसी
लड़के को ये दिक्कत है कि कोई लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, उसको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रही है, सोशल मीडिया पे फॉलो कर रही है गलत तरीके से, और उसे दोस्ती करने के लिए जो है उसके रिश्तेदारों पे दबाव बना रही है, उन पे उनको आइडेंटिफाई करके अलग अलग मैसेज भेजे जा रहे हैं। तो उस संबंध में जो है जो लड़का है वो अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, और वो जो है अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाएगा तो खाली एक एप्लीकेशन दे सकता है कि ये लड़की जो है इस मोबाइल नंबर की है, ये मेरा पीछा कर रही है और मुझे डर है कि कहीं जो है ना ये मेरा कुछ हानि मुझे ना पहुंचाए। तो इस संबंध में जो है जो इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 354D है वो बिल्कुल चुप है, ये अपराध केवल और केवल महिलाओं के प्रति दर्शाया गया है कि इसमें मेल ही इसमें जो है अपराध कर सकता है, फीमेल इसमें अपराध